जबकि सभी लोग क्या समस्याएं आती हैं जो सरकार ने नए आपको बताए, आपको किस लिए बनाया गया ये आपको जानकारी है? आप जब किसी गांव में जाती हैं तो वहां क्या समस्या आती है, या गांव के बाद जब आप बैंक पहुंचती हैं तो बैंक में क्या समस्याएं आती हैं, या अधिकारी अधिकारी मतलब हमारे सभी लोग ब्लॉक के स्तर पर हैं, सभी लोग इस स्तर को छोड़ दीजिए। अच्छा। ब्लॉक स्तर के अलावा आपको जो कार्य सौंपा गया है उसके अलावा अन्य अधिकारी भी उसमें लगे हुए हैं, उनका कितना सहयोग है आपके साथ? सर सहयोग तो सभी का है। फिलहाल बैंकों में जब भी दिक्कत आती है कि हर जगह चारों तरफ समय खुल रहे हैं तो समय धीरे धीरे दिया जाता है खुलने के लिए, खाता खोलने के लिए, उसी में थोड़ी दिक्कत आती है। और गांव में जाने से अब शुरुआत में जाएंगे तो हर कोई मतलब जानता तो है नहीं, वहाँ पे अपना परिचय देंगे हम, तभी तो वो लोग हमें पैसे आ रहे हैं सर। इसमें 15,000 का ऐसा है डिमांड, पैसा था नहीं बजट में, तो आ गया। अब वो कैसा है तो डिमांड दी गई है, पैसा चाहिए, बताओ जब पैसा आ नहीं रहा तो कहाँ से दें सर, कितना पुराना बजट अब आया है। हाँ बजट अब अब वो दीदी जल्दी तुम्हारा जो है आ जाएगा, सबकी डिमांडें लग गई, बजट में पैसा होना होता है, हमारी डिमांड रखी रहती भाई, उसमें समूह तो दिखते ही सब दिखाई दे रहे हैं। मेरा नाम अशोक कुमारी, मैं सुल्तानगंज खरेटा की रहने वाली हूँ। मैं समूह का नाम महिला पार्टी स्वयं सहायता समूह, मेरा ग्राम संगठन का नाम गुलाम महिला खरेड़ा, उसकी हम उपाध्यक्ष हूँ। मेरे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से मैं जुड़ी हूँ, ICRP के पद पे कार्य करते हूँ। सन 2011 की मेरी लोगों ने परिवार संख्या की जनगणना हुई थी, अब मैं सन 2017 की जुड़ी हुई हूँ। आज जुड़ी उनके कार्यालय में जो कुछ भी नहीं जानते थे, नहीं बैंक जानते, नहीं हम ब्लॉक जानते थे, उसे हम जो के ICRP के बापे वो कार्य करते। देखो हम भी जाते हैं पहले दिन गांव में, अपनी विविधता देखते हैं कि मैं कुछ पाएंगे कि नहीं, रहने के बाद हम दूसरे दिन दीदी को बताते हैं, हम सब करके दीदी को बताते, बता के बाद मैं दीदी जुड़ेंगी तो हमारे पास आना। अब प्रधान जी से मिलते हैं, आप देखो के रोजगार सेवक भैया इससे मिलते हैं, इनके देखो कि भैया हम इस गांव में जानकारी से आए हैं, आपको दीदी हम जोड़ेंगे तो हम इसी चीज बताते हैं। तो दीदी कहती हैं कि देखो है नहीं, देखो जुड़ जाएंगे दीदी हम, तो दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन का हम समूह गठन करते हैं। अब जैसे आप समूह बनाते हैं तो उनको क्या बताते हैं? जब बताते हैं दीदी आप समूह से जुड़ो, इसमें देखो आखिरी छोटी छोटी बचत करा दीदी, तुम बचत कराई जाती है, बचत नहीं बड़ी अपनी तो पूंजी कोई बना नहीं पाती, आप 10 दीदी जोड़ोगी तो आपके बच्चे बीमार हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं तो देखो तुम्हें जैसे पैसा मिल जाएगा। नहीं तो, और उनको ये नहीं आप बताती हैं कि इससे जुड़ने से आपको रोजगार मिलेगा, उससे आमदनी होगी ना, इससे तो पैसा मिल जाएगा, ये दवा के लिए, ये बच्चों के इलाज के लिए सरकार पैसा नहीं देगी। बाद हम बताते हैं रोजगार भी इससे मिलता है, हम बताते हैं, इससे पहले तो आपको रोजगार से ही जोड़ के चलना पड़ेगा। रोजगार देखो उसका कारण है, हम बता दे रहे हैं, ग्राम या पुरुष भी आज की डेट में ये चाहते हैं कि हमें सरकार का पैसा मिल जाए, हम उसको मकान में या अन्य कार्य में लगा देंगे, ठीक यही रहता है उनका। लेकिन उसका उनको ये अभी नहीं है कि ये पैसा सरकार का है, अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे। नहीं रोजगार भी बताते हैं, सब भी बता दिए थे, हम लोग करते हैं तो ही दीदी को बताते हैं तभी वो हमारे साथ में जुड़ जाते हैं। आपके यहाँ समूह कार्य कितने कर रहे हैं, कितने लोग समूह हमारे यहाँ पर? नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद, अब सहेंगे नहीं कहेंगे। लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध स्वयं सहायता समूह की सैकड़ों महिलाएं मेहराज अहमद की अध्यक्षता में एक रैली अभियान के रूप में शमशाबाद खंड विकास कार्यालय से निकलकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई घूमकर फिर खंड विकास कार्यालय पहुंची। नारी सशक्तिकरण, नारी हिंसा, नारी अपमानिता, नारी अराजकता, नारी अराजकता जैसे लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध मोर्चा खोला। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76। शमशाबाद नगर में महिलाओं व पुरुषों में समानता का संदेश देने के लिए रैली निकाली। रैली में लगभग 2 सैकड़ा महिलाएं ने भाग लिया और गगनचुंबी नारों के साथ सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। दरअसल लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका
मिशन के तहत इस रैली का आयोजन किया गया। रैली शमशाबाद खंड विकास कार्यालय से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों पर निकली, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं व आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और महिलाओं ने महिला पुरुष समानता व भेदभाव समाप्त करने का संदेश देते हुए यूपी चैनल न्यूज को बताया। रैली निकाली थी आप लोगों ने, सभी संगनियों ने, ये क्या है लिंग आधारित रैली, इसका जानकारी दे दीजिएगा। इसमें जो हमारी बहनें हैं जो गांव में रहती हैं, जो अभी जिनके वो भ्रम भरा है लड़का और लड़कियों में अंतर, तो उसका ये भ्रम दूर करना उनका और उन्हें उनको अच्छे से समझाना और ये इनके ऊपर कि हमें लड़का और लड़कियों में कोई भेद नहीं करना है, एकजुट होकर रहना है समाज में। जब एकजुट होकर रहेंगे तो हम किसी बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर पाएंगे जब इकट्ठे होंगे। और